स्वागत है आपका अपने गीतांग शेट्टी क्लास में। मैं हूँ सुनील कुमार और हम पढ़ रहे हैं ओ लेवल का मॉड्यूल 3 जो कि है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, जिसका हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं और इसमें हम फंक्शन को समझ रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं आज का क्या एजेंडा, आज हम किस डेटा टाइप को समझेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। आज हम डिक्शनरी को समझेंगे। पिछले हमने 2-3 वीडियो में बहुत सारे डेटा टाइप्स के फंक्शन, स्ट्रक्चर, मेमोरी एलोकेशन सब कुछ हमने समझ लिया है। आज हम डिक्शनरी डेटा टाइप पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, कैसे हम इसमें वैल्यू असाइन करते हैं, फिर इसके कुछ मेथड्स होंगे तो उन सभी मेथड्स को भी देखेंगे। एंड उसके बाद इसमें कौन कौन से मेथड, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कीज, वैल्यू, आइटम्स, अपडेट, क्लियर, कॉपीज, तो ये सारे मेथड्स को हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी पहले भी समझ चुके हैं, बहुत सारे हमने काम भी किए हुए हैं। जब मैं डेटा टाइप पढ़ा रहा था चैप्टर 3 में तो वहाँ पे हमने डिक्शनरी के बारे में हम समझे हैं, बट हम एक बार और यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं कि डिक्शनरी होता क्या है। तो डिक्शनरी एक सिक्वेंशियल डेटा टाइप है, इसमें हम बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ये जो बहुत सारे डेटा को स्टोर करता है लेकिन की वैल्यू पेयर में, ये एक पेयर में स्टोर करता है, ठीक है। वेयर एज द की आर इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट, जहाँ की जो होता है वो इम्यूटेबल है, जबकि वैल्यू क्या है तो म्यूटेबल है, यानी कि हम इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। की जो है वो इम्यूटेबल टाइप का होगा, यानी कि वो फिक्स रहेगा, उसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और वैल्यू का हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है, बट की का डुप्लीकेट भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है कि ये की और वैल्यू। अब की वैल्यू क्या है तो ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द डिक्शनरी इज द डेटा टाइप इन पाइथन विच कैन सिमुलेट द रियल लाइफ डेटा अरेंजमेंट वेयर सम स्पेसिफिक वैल्यू एग्जिस्ट फॉर द सम पार्टिकुलर की। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप है इसमें जो की वैल्यू होता है वो हमारे रियल लाइफ के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अब मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप नेम बताओगे, माय नेम इज़ मोहन, ठीक है। तो यहाँ पर रियल लाइफ में क्या है, मैंने पूछा नेम तो आपने अपना नेम बताया, मैंने पूछा रोल नंबर तो आपने यहाँ पर रोल नंबर बताया, माय रोल नंबर 21, 1, 2, जो भी रोल नंबर है वो आप अपने बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे की और वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पूछा एड्रेस तो एड्रेस आप रिप्लाई करोगे, ईमेल आईडी रिप्लाई करोगे, मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर रिप्लाई करोगे। तो ये हमारे रियल लाइफ की तरह डेटा डिक्शनरी है, वो उस टाइप में स्टोर करता है। तो यहाँ पे की जो हो गया, सपोज क्वेश्चन हो गया, जैसे मैंने पूछा नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो नेम बताओगे आप, तो माई नेम इज़ जो भी नाम है ABCD XYZ, तो आप जो अपना वैल्यू बता रहे हो, जो नेम रिप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे होता है वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है रियल लाइफ, इसी के बेस पे ये की और वैल्यू कंटेन करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द डिक्शनरी कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग मल्टीपल की वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय द कॉलम। यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि जब हम की और वैल्यू को लिख रहे होंगे डेटा टाइप में डिक्शनरी में, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, की और वैल्यू के बीच में डिफरेंस करने के लिए हमें कॉलन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इन सब का हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो यहाँ पे की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉलन ऑपरेटर का यूज किया जाता है, और बहुत सारे की और वैल्यू को हमें स्टोर करना है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अलग अलग डेटा टाइप को हमें स्टोर करना होता है तो हम कॉमा से सेपरेट करते हैं अलग अलग आइटम के लिए, ठीक है। तो बट यहाँ पे की और वैल्यू जो है वो एक आइटम है, तो एक आइटम को स्टोर करना है तो उन दोनों के बीच में की कौन है और वैल्यू कौन है, तो उन दोनों के बीच में हम कॉलन ऑपरेटर का यूज करते हैं, और जो लेफ्ट साइड है वो की है और जो राइट साइड है वो वैल्यू है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। तो हम इन सब का प्रैक्टिकली भी देखेंगे और इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो इसमें और एक रूल है, द कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर आर इनक्लोज्ड विद इन द कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो हम डेटा का रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो सभी कहाँ होंगे, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हो गया। हमने सेट में भी पढ़ा था कि वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं, ठीक है, बट वहाँ पे क्या होता है कि हमने की और वैल्यू दो अलग अलग वैल्यू नहीं देते, वहाँ पे एक ही वैल्यू दी जाती थी केवल और केवल
की, क्योंकि की डुप्लीकेट नहीं होता, यहाँ भी की डुप्लीकेट नहीं होता, तो जो हमारा सेट बनता था सेट भी एक तरह से वो की का कलेक्शन होता था ओनली फॉर की। बट यहाँ पे क्या है, डिक्शनरी में तो की और वैल्यू दोनों का पेयर है और इन दोनों के बीच में हमें सेपरेट करने के लिए कॉलन ऑपरेटर यूज करते हैं, और इन जितने भी मल्टीपल डेटा टाइप है हमारे पास, मल्टीपल की वैल्यू है, तो उन सभी को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे और हर एक आइटम को कॉमा से सेपरेट करते हुए रखेंगे। तो इसको हम समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और वहाँ पे हम आपको इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो हम एक एग्जांपल अपना देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल कुछ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक डिक्शनरी बना हुआ है। डिक्शनरी में आप देखेंगे कि हमने एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, ये चीज आप नोटिस करें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक हमने स्टूडेंट बनाया और स्टूडेंट का हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड क्या है, तो रोल नंबर एंड यहाँ पे क्या है, रोल नंबर 1। तो हमने यहाँ पे बताया था आपको कि जो भी आइटम होता है वो की और वैल्यू के पेयर में होता है। तो यहाँ पे रोल नंबर क्या हो गया, तो ये जो रोल नंबर है ये क्या है, तो की हो गया। जिससे हम क्वेश्चन के पूछते हैं ना कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, तो स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पे हो गया 1, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे वैल्यू, ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू। तो हमने बताया था आपको स्ट्रक्चर में अभी जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि जो भी आइटम हम स्टोर करते हैं डिक्शनरी की और वैल्यू में स्टोर करता है, तो की और वैल्यू को जो बीच में सेपरेट करने वाला जो ऑपरेटर होता है वो होता है कॉलन ऑपरेटर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो डॉट दो बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कॉलन ऑपरेटर कहते हैं। और एक आइटम जैसे ही कंप्लीट होता है उसको हम कॉमा से सेपरेट कर दिए। फिर यहाँ पर दूसरा की है, स्टूडेंट का नेम क्या है, तो यहाँ पे नेम जो है ये हमारा दूसरा की हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, तो की है, और ये क्या है, तो ये वैल्यू है। तो की और वैल्यू के बीच में क्या है, तो कॉलन ऑपरेटर है। तो इस तरीके से ये यूज किया जाता है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि हमने जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, फिर एक और हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है, स्टूडेंट का एज क्या है, ठीक है, एज कितना है, तो एज 21 है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रियल लाइफ की तरह हमें लग रहा है, एक स्टूडेंट बनाया है, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल का नाम या रेफरेंस का नाम। तो ये एक रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट है, जो कि एक मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहा होगा। तो हम इसको समझते हैं, इसको इस तरह से समझते हैं, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी हम यहाँ पे समझते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसका मेमोरी एलोकेशन, उसको भी यहाँ पे आप देखें। तो एक पूरी रेफरेंस हमने बना लिया है स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये स्टूडेंट जो है वो मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा मेमोरी ब्लॉक है जहाँ पे पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट होने वाला है, ठीक है। हम थोड़ा सा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम रेफर पूरा का पूरा मेमोरी ब्लॉक बना दिए हैं। तो ये स्टूडेंट इस मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहा है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे क्या है कि स्कर्ली ब्रैकेट है, तो हमने डेफिनेशन में भी समझा था कि जो भी हमारा रिकॉर्ड होता है वो सभी स्कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही स्टोर होता है। स्कर्ली मीन्स होता है यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या है कि जैसे हमने आइटम इंसर्ट किया रोल नंबर, तो ये रोल नंबर कहाँ आ गया, तो जिस मेमोरी ब्लॉक को स्टूडेंट रेफर कर रहा है वो हो गया रोल नंबर। और रोल नंबर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर है इसका यहाँ पे रोल नंबर इसका आ गया है 01, ठीक है, यानी कि 1 रोल नंबर है, ठीक है। स्टूडेंट का नेम क्या है, तो स्टूडेंट का नेम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो स्टूडेंट का नेम क्या हो गया, मोहन। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो अपसाइड वाली ये जो नेम है ये क्या है, तो की है, मोहन क्या है, तो वैल्यू है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा गया कि स्टूडेंट का एज क्या है, तो जिससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं और जो हमें आंसर में मिल रहा है, तो आंसर वाले को हम कहते हैं वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे असाइन होता है, ठीक है। अगर मैं पिछले वाले जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसकी अगर बात करें, जैसे कि हम लिस्ट की बात करते हैं, तो लिस्ट में क्या होता था कि एक लिस्ट तैयार होता था जो कि एक मेमोरी ब्लॉक सिंगल बनता था, और उसमें क्या होता था, तो वैल्यू होता था, जो भी हम वैल्यू स्टोर करते, सपोज कि 2, 5,
1, 7, 8, ठीक है। और इन सबको एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होता था, इंडेक्स होता था 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये सब इंडेक्स होते थे जिसके मदद से हम इन सभी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी की और वैल्यू था, तो ये जो इंडेक्स था हमारा, इंडेक्स जिसके मदद से हम इन सभी वैल्यू को एक्सेस करते थे, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है, तो ये रोल नंबर, नेम और एज यहाँ पे जो कीज का काम कर रहा है, यानी कि ये सब क्या है, तो इंडेक्स की काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे 0, 1, 2, 3 नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपके पास की है, ठीक है। जैसे कि हम कहते थे ना कि लिस्ट जो हमारा है, लिस्ट का 0th इंडेक्स वाले वैल्यू को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लिस्ट रेफरेंस हो गया, यहाँ पे रेफरेंस स्टूडेंट हो गया, यहाँ पे 0th इंडेक्स है और यहाँ पे क्या है, तो उसका की है, रोल नंबर, नेम, एज। यानी कि हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं नेम को तो कैसे लिखेंगे, तो उसे हम यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट में आएगा मोहन, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो रहा होगा। अगर लिस्ट जीरो की, अगर यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो ठीक वैसे ही कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है। तो यहाँ पे हमारा कीज हो गया, जिसके मदद से हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं, उसको हम यहाँ पे की कहते हैं। और जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमें आउटपुट मिलेगा, वो होता है वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी क्या है, तो वैल्यूज हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। की किसे कहते हैं, तो जिससे हम वैल्यूज को एक्सेस करते हैं वो हमारा होता है की, और इसे हम कोडिंग में लिखेंगे। और ये जो हमारा आउटपुट आएगा, जो कीज का आंसर है, उसे हम कहते हैं वैल्यूज, ठीक है। ये चीज क्लियर है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम टोटल कीज, हमारे जो डिक्शनरी हमने बनाया है, इस पूरे डिक्शनरी में कितने कीज है, उन सभी कीज को हमें एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट यहाँ पे स्मॉल होगा पी, तो स्टूडेंट्स डॉट कीज, ठीक है। यहाँ पे ये सभी क्या है, तो कीज हैं, सभी कीज, कीज में टोटल जितने भी रोल नंबर, नेम, एज हैं, सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया गया, स्टूडेंट के कीज को डिस्प्ले कर दो, प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा रोल नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक वैसे ही आएगा। फिर यहाँ पे आएगा नेम, फिर आएगा एज, ठीक है, कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट स्टूडेंट वैल्यूज, तो जितने भी इसमें वैल्यूज हैं वो सभी वैल्यूज यहाँ पे आउटपुट होंगे, डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा मोहन, सब कॉमा से सेपरेट होते हुए आएंगे, और फिर यहाँ पे 21, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। आई होप कि इसका मेमोरी स्ट्रक्चर और कैसे एक्सेस करते हैं और इंडिविजुअली कैसे एक्सेस करते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप यहाँ पे किसी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि अगर नेम में हमें एरर हो गया कि सपोज नेम रोहन था, हमने गलती से मोहन कर दिया, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि ये म्यूटेबल टाइप का है। बट कीज की बात की जाए तो कीज हमारा इम्यूटेबल टाइप का, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इन सबको समझने के लिए हम प्रैक्टिकली भी आपको लेके चलते हैं। यहाँ तक आप नोट डाउन करना चाहते हैं इस स्ट्रक्चर को, तो आप नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से हमने समझाया है। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट जिसमें सारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, यानी कि एक रेफरेंस है जो कि सबको रेफर कर रहा है, ठीक है। अगर हमें एक्सेस करना है तो स्टूडेंट के साथ हम कीज का यूज़ करेंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी हमने स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं पाइथन पे और वहाँ पे इसको प्रैक्टिकली एक बार समझते हैं। तो हमने यहाँ से पाइथन को ऑन कर लिया और इसको हम एक स्टूडेंट को, यही हम एग्जांपल रखेंगे, रोल नंबर, नेम एंड एज, और हम इन सबको एक बार प्रिंट कराकर आपको दिखाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे। तो अब चलिए हम एक स्टूडेंट बनाते हैं। स्टूडेंट हमने बना लिया, स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले तो हमें रोल नंबर लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया रोल, एंड देखिए आप जो भी आप की बनाइएगा ना, स्पेस ना रखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वर्ड रखिए, बहुत ही अच्छा रहेगा एक्सेस करने में। और रोल नंबर की जो वैल्यू है, तो वैल्यू तो न्यूमेरिकल में होगा, सपोज कि 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें
दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। एक रिकॉर्ड हमारा जैसे ही कंप्लीट हुआ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कॉमा दे दिया। अब हमें दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो दूसरे रिकॉर्ड का की क्या है, तो की है उसका नेम, तो नेम हमें डालना है, तो नेम डालना है। अब वैल्यू डालना है, तो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो कॉलन ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब मैं इसका वैल्यू दूंगा, जैसे कि हमने लिख दिया मोहन, ठीक है। मोहन करने के बाद अब हमें तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है जो कि था एज, तो एज भी हम स्ट्रिंग में ही रखेंगे, एज हमने कर लिया। और यहाँ पे हमें कॉलन ऑपरेटर यूज करना है, और एज उसका था 21, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, एक रेफरेंस बना लिया। अब हमें एक्सेस करना है। अब मैं आपको पूरी कीज एक्सेस करके दिखाता हूँ कि पूरी की पूरी की अगर हमें एक्सेस करना है तो हम करेंगे स्टूडेंट के टोटल कीज जितने भी हैं उन सभी को दिखा दो, ठीक है, स्टूडेंट डॉट कीज। और चूंकि प्रिंट अपने आप चलता है इसलिए हमने प्रिंट में नहीं डाला, सेल प्रॉम्प्ट पे। अगर मैं यही चीज़ स्क्रिप्ट में लिखता तो हमें स्टूडेंट डॉट कीज को प्रिंट कराना होता, ठीक है। तो हमने जैसे ही यहाँ पे प्रिंट किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका टाइप आ रहा है डिक्ट है, यानी कि ये डिक्शनरी टाइप का है, जिसकी कीज क्या है, तो कीज यहाँ पे है रोल नंबर, नेम एंड एज, ठीक है। रोल नंबर, नेम एंड एज, ये तीन इसमें कीज है। अगर मैं पूरी की पूरी वैल्यूज प्रिंट कराने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज। और जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखेंगे ये डिक्ट टाइप का, यानी कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो डिक्शनरी है। एंड इसके वैल्यूज क्या है, तो 1 हो गया, मोहन हो गया एंड 21 हो गया, ठीक है। ये पूरे रिकॉर्ड को हमने एक्सेस करके दिखाया। अगर मैं बात करूँ कि स्टूडेंट का नेम क्या है, ठीक है, केवल हम स्टूडेंट का नेम जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट और हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और इसमें हम पास करेंगे नेम, ठीक है। जैसे हमारा कीज है वैसे हमें लिखना पड़ेगा, चूंकि हमने स्ट्रिंग में लिखा है, क्योंकि ये कैरेक्टर ऑफ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है इसलिए। और यहाँ पे हमने एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे रिजल्ट में आ गया मोहन। स्टूडेंट का नेम जो है वो है मोहन। स्टूडेंट का एज क्या है, तो हम एज एक्सेस करना चाहते हैं तो हम पार्टिकुलर केवल इंडिविजुअली हम रिकॉर्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हमने स्टूडेंट का एज जान लिया कि उसका एज कितना है, तो 21 है। आई होप कि ये सारी कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुकी होगी कि हम पूरे के पूरे रिकॉर्ड को कैसे एक्सेस करेंगे, यानी कि पूरी कीज कैसे एक्सेस करेंगे, पूरी वैल्यूज कैसे एक्सेस करेंगे, और एक एक करके अगर हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो हम एक बार यहाँ पे इसके रोल नंबर को भी एक्सेस करके दिखा देते हैं, तो इसका रोल नंबर क्या है, तो वो भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 1। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। और भी हम इसके बारे में समझेंगे, इसके मेथड को देखेंगे, मेथड को देखने के बाद इसमें जो जो भी ऑपरेशन होंगे उन सभी को हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, और फिर इसको मैं एक न्यू स्क्रिप्ट में अब रन करा कर दिखाऊंगा। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें थी, कंसेप्ट था, वो आपका क्लियर हो चुका होगा। अब बाकी के जितने भी हम मेथड यूज़ करेंगे वो सभी को हम स्क्रिप्ट में रन कराएंगे, इसलिए मैं एक न्यू फाइल पहले से ही बना लेता हूँ ताकि उस समय जब मेथड हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझने में दिक्कत ना हो। तो हमने इसको एक जगह सेव कर लिया, आप भी कहीं एक फोल्डर में बना कर सेव कर लीजिएगा, जहाँ पे जितने भी प्रोग्राम आप बनाएं सभी को सेव करके रखना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिक्ट नाम डिक्ट डॉट पी वाई के नाम से हमने सेव कर लिया, ठीक है। और अब चलते हैं अपने पॉइंट पे आते हैं। तो हमने इसका एक एक करके एक्सेसिंग कर लिया, और हम कैसे स्टूडेंट का यानी कि डिक्शनरी डेटा टाइप कैसे तैयार करते हैं वो भी हमने बता दिया कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए एंड कॉलन से सेपरेट होना चाहिए, और लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू होता है वो होता है की, एंड राइट साइड की जो वैल्यू होता है वो होता है वैल्यूज, ठीक है, की का वैल्यू। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आई होप कि ये सब आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है डिक्शनरी फंक्शंस, इसके कितने फंक्शन मेथड्स हैं, इन सभी मेथड्स को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो सभी यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शन हैं, और इन सभी को हम प्रैक्टिकली कर करके देखेंगे, एक एक को समझेंगे। इसमें से हमने तो बहुत सारे कर भी लिए हैं। खैर, जैसे कि हमने कीज़ और वैल्यूज़ को एक्सेस कर लिया है, बाकी के 3-4 बचे हुए हैं तो इनको भी हम कर लेंगे। तो अब हम एक एक करके एक्सेस करते हैं, एक एक को समझते हैं। सबसे पहला जो है वो है डिक्ट कीज़।
जो कि अभी अभी हमने इसका प्रैक्टिकली भी किया था। इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो दिस इज यूज टू फेच ऑल कीज फ्रॉम द डिक्शनरी। जो डिक्शनरी हमने बनाया था उसके जितने भी कीज थे उन सभी को फेच करेगा, एक्सेस करेगा और डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे डिक्ट डॉट वैल्यूज है, इसको भी हमने अभी अभी यूज किया है, इस मैथड का यूज किया है। तो दिस मैथड इज रिटर्न ऑल द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी, ठीक है, यानी कि जो डिक्शनरी हमारा बना हुआ है उसके जितने भी वैल्यूज हैं उन सभी को ये रिटर्न करेगा, और रिटर्न करेगा तो हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग एक्सेस करने का काम करता है, ठीक है। ये अलग की जो है वो केवल और केवल की रिटर्न करेगा, वैल्यूज जो है वो केवल और केवल वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा तो की रिटर्न करेगा, और ये रिटर्न करेगा वैल्यू, ठीक है। बट आइटम क्या करता है, ये की एंड वैल्यू दोनों को रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रिटर्न ऑल द की वैल्यू पेयर्स, टोटल की और वैल्यू पेयर को ये रिटर्न करेगा। तो इसको हमें स्टोर करना है, तो अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो की और वैल्यू को एक अलग अलग हम वेरिएबल बना के भी स्टोर करा सकते हैं, या फिर हम प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम की और वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इसका बेसिकली यूज जो होता है वो हम लूप में भी यूज कर लेते हैं, लूप में ज़्यादातर यूज होता है। वहाँ पे हम आपको एक लूप भी बनाकर दिखाएंगे और इसको हम एक्सेस करके दिखाएंगे कि इसका क्या यूज है। फिर नेक्स्ट जो है वो है अपडेट मेथड, ठीक है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट का दो डेटाबेस जैसे बना हुआ है, दो डिक्शनरी बना हुआ है, तो उन दोनों को एक साथ मर्ज करना है, अपडेट करना है, उसमें कोई वैल्यू अपडेट करना है, तो हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अपडेट करेगा, ये क्या कह रहा है, इट अपडेट द डिक्शनरी बाई एडिंग द की वैल्यू पेयर ऑफ डिक्ट टू दिस डिक्शनरी, ठीक है। यानी कि जो हमारा डिक्ट टू है वो क्या करेगा, तो दूसरे जो हमारा डिक्ट है उसमें ये ऐड कर देगा और ये एक सिंगल डिक्शनरी बन जाएगा, यानी कि दो डिक्शनरी को ये एक मर्ज करने का काम करेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट का एक तो होता है उसका पर्सनल डिटेल, ठीक है, दूसरा उसका होता है फी डिटेल, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई स्टूडेंट है कॉलेज में पढ़ रहा है, तो एक तो उसका रिकॉर्ड बनता है, उसकी क्या नाम है, एड्रेस है, सब कुछ एक जगह रिकॉर्ड बनता है, और उसकी क्या फी स्ट्रक्चर है, उसने कितना पे किया है, कितना उसका पेंडिंग है, कितना उसका टोटल फी कोर्स है, कोर्स का फी है, तो ये सारी डिटेल्स होती है। तो इन दोनों को अगर हमें मर्ज करना है, मर्ज करके हमें एक डिक्शनरी बनाना है, तो उसके लिए हम अपडेट का यूज करेंगे। इसको भी हम आपको करके दिखाएंगे, सभी को प्रैक्टिकली करेंगे एक एक, पहले हम पहले इसको समझ लेते हैं। फिर डिक्ट डॉट क्लियर कहता है, इट इज यूज टू डिलीट ऑल द आइटम ऑफ द डिक्शनरी, डिक्शनरी से पूरे आइटम को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम डिक्ट डॉट क्लियर का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है डिक्ट डॉट कॉपी, यानी कि डिक्शनरी डेटा टाइप जो हम बनाएंगे, रेफरेंस बनाएंगे, वहाँ पे ये सभी डिक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिक्ट डॉट कॉपी, यानी कि जो जिस भी डिक्शनरी का हम कॉपी तैयार करना चाहते हैं, तो वो उसका ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये हमें एक उसका रिटर्न करेगा कॉपी, एक शैडो उसका, यानी कि उस मेमोरी ब्लॉक का एक रेफरेंस हमें रिटर्न करेगा, जो कि हम किसी दूसरे में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इन सभी को हम समझते हैं, एक बार प्रैक्टिकली करते हैं, तो और भी जो भी कंफ्यूजन है वो सभी कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम पे, और अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं ये सारे मेथड को, तो आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से आपको डेटाबेस तैयार करने का मिल जाए, तो आप डेटाबेस तैयार कर सकते हो। ये जो डिक्शनरी है ये डेटाबेस की तरह ही वे वर्क कर रहा है, तो आप इस तरह का एक अपना डेटाबेस भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं पाइथन को। तो पाइथन में हम यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, ताकि हमें दिखाई देते रहे हमारा सारा फंक्शन मेथड कौन कौन से हैं और हमें कैसे एक्सेस करना है। और मैंने इसको जो कोडिंग हम करेंगे इसको मैंने साइड में कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देते रहेगा, और हमारा कौन कौन सा मेथड है, हम कौन कौन यूज कर लिए हैं और क्या कैसे यूज करना है, वो उसका हमें स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई देता रहेगा, और ये सब लाइव रहेगा, तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है।
तो सबसे पहला हमारा काम है कि एक हमें डिक्शनरी क्रिएट करना है, एक हमें स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो हम स्टूडेंट का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, आप एम्प्लॉई का भी एग्जांपल ले सकते हैं या फिर किसी भी टाइप का आप एक एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे की और वैल्यू पेयर रखते हो, ठीक है। तो वैसे हम डेटा टाइप को रख सकते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, हम एक स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बना लिया स्टूडेंट स्टूडेंट एंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि हमें डिक्शनरी बनाना होता है, तो डिक्शनरी बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, जो कि हमने कर लिया। एंड अब इसमें हमें क्या है, तो की और वैल्यू देना है। तो जो हमारा पहले का प्रोग्राम था मैं उसी को रखता हूँ। सबसे पहले हम रोल नंबर रखेंगे, रोल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। जैसा आप लिखना चाहते हैं वैसा आप लिख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट आप थोड़ा सा केयरफुली रहेंगे कि स्पेस नहीं देंगे तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा रोल नंबर एक की हो गया। अब रोल नंबर कितना है, तो रोल नंबर हम मान लेते हैं कि 101 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का नेम रखते हैं। तो यहाँ पर हमने रख लिया नेम, और नेम क्या है, तो नेम भी हम रख लेते हैं, नेम हम एक्सपायर कुछ और नेम रख लेते हैं, जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दूं। नेम हम इस बार रख लेते हैं प्रिया। अब हम क्या करते हैं, इसका एज रख लेते हैं, सपोज एज हमने रख लिया 21, ठीक है। और हम क्या करते हैं, बस इतना ही रख लेते हैं। एक और हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम फी वैल्यू को रखेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसको एक्सेस करते हैं और मैं अपडेट करके भी आपको दिखाऊंगा कैसे अपडेट करते हैं, एक एक वैल्यू को कैसे अपडेट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक अभी हम समझ लेते हैं और एक बार। तो ये हमारा पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो चुका है। एक बार मैं ऐसा करता हूँ कि इसको प्रिंट कराता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन अप्लाई किया। प्रिंट में हमने क्या किया कि पूरे स्टूडेंट को पास कर दिया। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, तो ऑल रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड की एंड वैल्यूज दोनों, ठीक है, कीज एंड वैल्यूज दोनों रिटर्न होंगे। हमने कमेंट में इसका दिखा दिया कि ये क्या प्रिंट करने वाला है और मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इस बार हम क्या करते हैं, स्टूडेंट डॉट कीज, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट मेथड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्ट डॉट की। तो डिक्ट का मतलब क्या है कि जो भी हमने डिक्शनरी बनाया है वो, तो हमारा डिक्शनरी क्या बना है, तो स्टूडेंट का ही तो बना है, स्टूडेंट ही तो हमने रेफरेंस बनाया, तो स्टूडेंट की कीज को प्रिंट करो, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑल कीज, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, तो पूरा का पूरा कीज प्रिंट होगा। फिर हमने वही चीज़ यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया और इस बार हमने क्या कर लिया, तो स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, यहाँ पे केवल वैल्यू नहीं लिखना है, लास्ट में एस जरूर लगाना है। तो हमने वैल्यूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ऑल वैल्यूज, यानी कि जितने भी की के वैल्यू बने हुए हैं वो सभी यहाँ पे प्रिंट होंगे। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। तो हमने थ्री स्टेटमेंट प्रिंट कराया, एक तो पूरे स्टूडेंट को ही प्रिंट कराया, स्टूडेंट डॉट कीज किया एंड स्टूडेंट वैल्यूज किया। यहाँ तक ये चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा प्रिंट होगा तो। और मैं एक दो और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, पहले इतना रन कराते हैं फिर और भी हम रन कराकर दिखाएंगे आपको। जैसे मैंने ओके किया, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट लाइन था वो था रोल नंबर 101, नेम प्रिया, एज 21, ठीक है, इस तरह से प्रिंट हो गया। कि हमने प्रिंट कराया था सेकेंड स्टेटमेंट में, तो रोल नंबर, नेम एंड एज, ये क्या है, तो ये उसका की है। और नीचे आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे क्या है, तो वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, ठीक है, ये वैल्यूज हो गया। जैसे कि ये सब क्या है, वैल्यू है, नेम प्रिया और 21, ये क्या है, तो वैल्यू है। तो रोल नंबर का वैल्यू क्या हो गया, तो 101, नेम का क्या वैल्यू हो गया, तो प्रिया, एंड एज का क्या वैल्यू हो गया, तो 21, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रिंट आउट हुआ है। तो सबसे पहले हम कीज देख लिए, उसके बाद वैल्यूज को देख लिए, ठीक है। अब हम एक बार एक एक करके इंडिविजुअली प्रिंट आउट कराएंगे, वो भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कराया
और इस बार ना हम न्यू लाइन से प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैसेज लिख दिया नेम, ठीक है, बट नेम जो है न्यू लाइन से प्रिंट करें। और यहाँ पे हमने कॉलन ऑपरेटर ले लिया, तो किसका नेम प्रिंट कराना है, तो स्टूडेंट जो है हमारे पास, स्टूडेंट जो है स्टूडेंट का नेम प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेम, और यहाँ पे जो आप की लिखेंगे वो बहुत ही ध्यानपूर्वक रखेंगे, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक या केस सेंसेटिव नहीं होना चाहिए। केस में जैसे कि हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा, तो यहाँ भी कैपिटल होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्मॉल है तो आपको यहाँ पे स्मॉल लिखना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज एरर आने लगेगा। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट जो है हमारे पास उसका नेम प्रिंट कराना है, तो ऑब्वियसली प्रिया आएगा। लेकिन एक चीज हम इसमें चेंजेस कर देते हैं कि स्टूडेंट का जो नेम है उसे अपडेट करना है, ठीक है। यानी कि प्रिया नहीं लिखना था हमें, हमें वहां पे लिखना था सपोज कोई अदर नेम ले लेते हैं, जैसे कि हमने नाम रख लिया अमित, ठीक है, हमें अमित रखना था, गलती से प्रिया टाइप हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको चेंज करना है, तो चेंज करना है, तो यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया। यहाँ पे असाइन ऑपरेटर का हमने यूज किया जब हम ऑपरेटर पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने बताया था कि अगर हम सिंगल इक्वल टू लिखते हैं इसका मतलब ये असाइन करेगा, यानी कि स्टूडेंट का जो नेम है उसका जो वैल्यू है उसके वैल्यू में क्या असाइन कर दो, तो नेम अमित असाइन कर दो, ठीक है। तो स्टूडेंट का नेम अब क्या हो चुका है, तो अमित हो गया है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर से समझाऊं, तो अभी हमने जो समझा था स्टूडेंट का जो मेमोरी ब्लॉक बना था उसमें जो नेम था, नेम जिस मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहा था, पॉइंट कर रहा था, उसमें क्या था पहले से, तो पहले से उसमें प्रिया था, ठीक है। बट अब प्रिया क्या हो चुका है, हट गया, प्रिया के जगह पे अब क्या आ चुका है, तो अमित आ गया, ठीक है। तो अब जब भी हम प्रिंट कराएंगे नेम को, तो क्या प्रिंट होगा, तो अमित प्रिंट होगा, ओके। तो एक बार और हम इसको प्रिंट कराकर देख लेते हैं, तो सेम ऊपर वाले लाइन को ही हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, तो अमित प्रिंट होना चाहिए, हमने वैल्यू को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार हम पूरे रिकॉर्ड को भी हम यहाँ पे प्रिंट कराकर दिखेंगे कि क्या पूरा हमारा डिक्शनरी अपडेट हुआ है या फिर केवल और केवल यहाँ यही वैल्यू चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट को प्रिंट करा लिया, तो अब हम इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे हमने रन कराया, रन कराने के लिए F5 बटन प्रेस किया, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। तो हम इसको समझ लेते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट था ऑल रिकॉर्ड वो आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, तो टोटल की आ चुका है। फिर थर्ड लाइन में क्या हो गया, तो टोटल वैल्यूज जो था वो आ चुका है। वैल्यूज में क्या है, तो प्रिया का ही पूरा रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी प्रिया आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने केवल और केवल एक वैल्यू को एक्सेस किया, स्टूडेंट का नेम, तो नेम आ रहा है प्रिया। और यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद वैल्यू चेंज करने के बाद हमने प्रिंट कराया कि स्टूडेंट का नेम क्या है, तो स्टूडेंट का नेम अब अमित हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, तो पूरे रिकॉर्ड को, यानी कि जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट था उसी चीज़ को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड भी अपडेट हो चुका है, यानी कि जो हमने डिक्शनरी तैयार किया था वो डिक्शनरी पूरी तरह से यहाँ पे अपडेट हो चुका है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि जो हमारा वैल्यू है वो म्यूटेबल टाइप का है, हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं एक एक करके। तो यहाँ तक हमने समझ लिया इसके आउटपुट को भी कि कैसे आउटपुट आ रहा है। तो जैसे जैसे हमने काम किया था ठीक वैसे वैसे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हमने यहाँ पे क्या क्या समझ लिया, तो की वैल्यू आइटम ये सभी कुछ हमने समझ लिया। आइटम को अभी हमें समझना है, आइटम कैसे वर्क करेगा तो इसको समझना है। ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब हम आइटम को एक्सेस करते हैं। आइटम में क्या है कि आइटम क्या है हमारे पास, तो ये रोल नंबर एंड 101 यही तो आइटम है ना। तो इन सबको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ या फिर मैं कमेंट कर देता हूँ, बाद में आप नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन सभी लाइन को कमेंट कर दिया, मल्टीपल लाइन, ये
यहाँ पे मैं एक लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और फिर इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इतना हमारा ऊपर वाले लाइन से कोई मतलब नहीं है। अब ठीक है, अब ये हमारा बन चुका है, एक स्टूडेंट बन गया। स्टूडेंट का रोल नंबर नेम और नेम हमारा अब हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, अमित कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा इस तरह से डेटाबेस बन के तैयार हो चुका। अब हमें क्या करना है कि एक एक आइटम को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है आइटम, तो स्टूडेंट जो है वहाँ पे कितने आइटम है, तो यहाँ पे आइटम हमारे पास 3 आइटम्स है, 1, 2 एंड 3। ये 3 आइटम्स हैं हमारे पास। इन 3 आइटम्स में क्या है, तो एक है की, दूसरा है वैल्यू, फिर इसमें भी है की एंड वैल्यू, फिर इसमें भी है कि जितने भी आइटम्स हमने बना रखा है सब में की और वैल्यू है। अगर हम एक आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस आइटम में क्या क्या की और वैल्यू, ये दोनों रिटर्न होंगे ऑब्वियसली। तो जब दोनों रिटर्न होंगे तो इन दोनों को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे रेफरेंस की, एंड दूसरा रेफरेंस हम बना लेंगे वैल्यू, ठीक है। और इसमें बारी बारी से हम एक्सेस करते जाएंगे और बारी बारी से सबको प्रिंट कराते जाएंगे। तो इसको हम लूप के मदद से आपको एक्सेस करके दिखाते हैं, लूप के मदद से हम प्रिंट करा कर दिखाएंगे। तो अब ये हमारे पास की और वैल्यू आ चुका है, तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे। तो हमारा आउटपुट स्क्रीन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, हम यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है रोल नंबर, तो यहाँ पर है रोल नंबर कॉलन ऑपरेटर, और यहाँ पर आए 101, फिर यहाँ पर आए नेम, नेम आ जाए यहाँ पे अमित, फिर यहाँ पे आ जाए एज, एज क्या हो तो यहाँ पे 21। तो कुछ इस तरह से आउटपुट होना चाहिए, एक एक लाइन फेस हो और एक एक लाइन आउटपुट हो, और आउटपुट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो हम ऐसा कैसे प्रिंट आउट करेंगे, हम ऐसा फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे, तो आइए हम देखते हैं इसको। तो इसको हम एक लूप बनाएंगे और लूप में इन सभी को एक्सेस करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर लिया, सपोज जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे फॉर, ठीक है, और फॉर लूप हम चलाएंगे। फॉर लूप में क्या होगा, तो हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे क्या, तो की, यानी कि हमें जो रिटर्न होके आने वाला है वो दो ही तो वैल्यू आएगा, की और वैल्यू। एक आइटम को हम एक्सेस करेंगे तो हमारे पास की एंड वैल्यू दो चीज आएंगे, है ना। इन अब हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे स्टूडेंट डॉट आइटम, ठीक है, आइटम्स यहाँ पे एस लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एस लगा हुआ है। तो हमने एक्सेस किया स्टूडेंट डॉट आइटम्स, स्टूडेंट डॉट आइटम्स क्या करेगा, तो आइटम की और वैल्यू दोनों को रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करेगा तो हमने की एंड वैल्यू में एक्सेस कर लिया। अब चूंकि आ चुका है हमारे पास की और वैल्यू, तो हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट, और इसमें हम लिखेंगे कीज। तो की हमारा की हो चुका है, की में जो भी वैल्यू आएगा, जैसे रोल नंबर, तो रोल नंबर आ चुका, ठीक है। और यहाँ पे हमें कॉलन ऑपरेटर प्रिंट कराना है, तो कॉलन ऑपरेटर तो की पार्ट नहीं है ना, ना वैल्यू की पार्ट है, तो उसको हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाकर हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। फिर हमने वैल्यू को प्रिंट करा लिया, ठीक है, ये हमारा की एंड वैल्यू हो चुका है। अब हम इसको एक बार रन करा कर देखते हैं कैसा आउटपुट आता है, कहीं एरर होगा तो एरर शो करेगा, अदरवाइज प्रॉपर तरीके से रन करेगा, ठीक है। तो हम इसको रन कराते हैं, यहाँ पे देखिए कि कितना बेहतरीन तरीके से आउटपुट आ रहा है। मैं इसको एक बार और रन कराता हूँ ताकि ये जो सब कुछ अच्छे तरीके से प्रिंट करे, वैसे हमारा प्रोग्राम सही था। यहाँ पे आप देखिए रोल नंबर 101, नेम अमित, एज 21, एक एक फेस हो रहा है, एक एक आइटम हमने एक्सेस किया और एक एक आइटम को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, ठीक है। और कैसे हुआ तो इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे,
ठीक है, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, कोड भी दिखाई दे रहा है और आउटपुट स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं, बहुत ही मजा आएगा इसको समझने में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने फॉर लूप लगाया, और यहाँ पे क्या हुआ, ये कब तक चलेगा, तो जब तक इसमें आइटम है तब तक ये चलेगा। ठीक है, तो कब तक आइटम है, तो सबसे पहले क्या करेगा, स्टूडेंट डॉट आइटम, स्टूडेंट के आइटम्स को रिटर्न करो। तो आइटम्स क्या है, तो ये हमारा फर्स्ट आइटम है। ठीक है, फर्स्ट आइटम को एक्सेस किया, तो फर्स्ट आइटम को एक्सेस किया तो इसका नेचर है कि ये की और वैल्यू दोनों को एक्सेस करेगा और दोनों को रिटर्न करेगा। तो हम जैसे जैसे इसने रिटर्न किया तो हमने यहाँ पे की में एक को स्टोर करा लिया, अगर रोल नंबर आया तो वो की में चला गया, 101 आया तो वैल्यू में चला गया। ठीक है, अब हमने प्रिंट कराया की को, तो की में क्या आ गया, तो 101, और की में आ गया हमारा रोल नंबर, तो रोल नंबर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। फिर नेक्स्ट जो आया है वो है वैल्यूज, बीच में कॉलन ऑपरेटर, तो कॉलन ऑपरेटर भी आ गया और यहाँ पे वैल्यूज भी यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, तो वैल्यू हमारा 101 आ गया। फिर सेकंड टाइम चला, तो सेकंड टाइम फिर नेक्स्ट आइटम को इसने रिटर्न किया, तो नेक्स्ट आइटम को रिटर्न किया फिर से की वैल्यू में चला गया, तो सेकंड का की क्या है, तो नेम है, तो यहाँ पे नेम आ चुका है। फिर कॉलन ऑपरेटर, चूंकि हमारा मैसेज में ही है कॉलन ऑपरेटर, तो ये आ चुका है। फिर वैल्यूज को प्रिंट कर दो, तो वैल्यूज क्या है वो सेकंड आइटम का, तो सेकंड आइटम का वैल्यूज अमित है, तो यहाँ पे अमित आ गया। फिर नेक्स्ट आइटम को एक्सेस किया, तो नेक्स्ट आइटम एज है, तो एज की ये क्या है, तो की है और ये वैल्यू है, तो की को की में भेज दिया, वैल्यूज को वैल्यूज में भेज दिया। यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने समझने के लिए की और वैल्यू दे दिया ताकि क्लियर हो सके कि कौन सा की है और कौन सा वैल्यूज है। तो की वाले फर्स्ट में जाएंगे, यानी कि जैसे लेफ्ट में की है तो लेफ्ट वाले वेरिएबल्स में जाएगा, राइट में वैल्यूज है तो राइट वाले वेरिएबल में जाएगा, आप जो भी नाम लिखोगे वो उसी में जाएगा। तो यहाँ पे अब एज एक्सेस हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज आ गया की में एंड कॉलन ऑपरेटर, फिर यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हुआ। और लास्ट में अब क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जो भी सीक्वेंस डेटा होता है लास्ट में नल कैरेक्टर होता है, तो नल कैरेक्टर मिला, दैट मींस क्या कि यहाँ पे इसका डिक्शनरी खत्म हो गया, रिकॉर्ड खत्म हो गया, तो यहाँ पे ये सब कुछ खत्म हो चुका। ठीक है, तो ये हमने कोड और आउटपुट स्क्रीन दोनों कुछ समझ लिया है। तो यहाँ हमने ये चीज देख लिया कैसे हम एक्सेस करते हैं, तो आइटम को भी हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट जो है वो है अपडेट। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए हमें एक और डिक्शनरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमने एक स्टूडेंट बना लिया, और स्टूडेंट का फी का हम एक डिटेल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट फी। ठीक है, ये एक हमने वेरिएबल बना लिया, इसकी में फी का डिटेल होगा, इसका कितना फी है, नहीं है, जो कुछ भी है। तो हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लिया, सपोज रोल नंबर एक हम पहचानने के लिए रख लेते हैं, क्योंकि रोल नंबर ही तो यूनिक होता है, अमित नाम का तो हमारे स्टूडेंट में बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना, लेकिन रोल नंबर 1 जिसका है वो तो सेम ही रहेगा। तो हम समझने के लिए रोल नंबर 1 ही रख लेते हैं ताकि हमें पता चले, वैसे इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब हम मर्ज करेंगे तो हमें पता है कि ये डुप्लीकेट अलाउ ही नहीं करेगा, तो वह एक ही आइटम को एक्सेस करेगा। तो रोल नंबर हो गया, रोल नंबर कितना है इसका, तो इसका रोल नंबर है 101। ठीक है, ये सेम सेम हमने रख लिया ताकि हमें ये पता चले कि ये उसी स्टूडेंट का। अब हम इसका रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो रिकॉर्ड हमें करना है, तो इसका अब हमें फी बनाना है, थोड़ा सा मैं स्पेस बना दूं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे अब हमें टोटल फी दिखाना है, तो टोटल फी कितना है इसका, फी। ठीक है, तो फी इसका मान लेते हैं कि इसके पास फी जो था वो था 2500। ठीक है, और इसने पे कितना किया है, तो पे मान लेते हैं कि इसने 1500 रुपये पे कर दिए हैं। ठीक है, और इसका इसका पेंडिंग अगर हमें पता करना है, तो हमें पता है कि 2500 टोटल है, 1500 पे कर दिया, तो इसका पेंडिंग कितना बच गया, तो 1000। ठीक है, तो ये हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया। स्टूडेंट को ही अपडेट करते हैं, यहाँ पे न्यू तो रिटर्न करेगा नहीं, अपडेट करेगा, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट अपडेट, हम स्टूडेंट को अपडेट करना चाहते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट फी। ठीक है,
हमारे पास क्या है, इसके स्ट्रक्चर को समझिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक स्टूडेंट जो हमारा बना हुआ था रोल नंबर, नेम और एज, और एक और हमने बनाया था स्टूडेंट फी का, ठीक है, स्टूडेंट फी नाम से, तो इसमें उसके फी का स्ट्रक्चर है। तो अब क्या करना है कि स्टूडेंट को अपडेट करना है स्टूडेंट फी के डिक्शनरी से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो इसकी जो भी डेटा होगी वो सब इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट के साथ। तो इसको अब हम क्या करते हैं कि एक बार प्रिंट करा के दिखाते हैं। तो अब सारा रिकॉर्ड कहाँ आ चुका है, तो स्टूडेंट के डेटाबेस में आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट तो हमारा है ही, आइटम तो है ही, सब कुछ सेम ही है। अब हम स्टूडेंट को इंडिविजुअली प्रिंट करा कर देखते हैं। हमने रन कराया F5 बटन। अब हम इसके आउटपुट को समझते हैं। तो आउटपुट आप यहाँ पे देखेंगे रोल नंबर दोनों टाइम्स आ रहा है। क्यों आ रहा है ये समझने वाली बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पेलिंग में डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों रिकॉर्ड को दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ठीक करते हैं, आप लोग भी बताए नहीं, खैर हम यहाँ पे इसको ठीक करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, रोल नंबर एंड रोल नंबर दोनों कुछ सेम सेम है। अब मैं एक बार और इसे रन करा कर देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि रोल नंबर एक ही टाइम प्रिंट कर रहा है, तो एक ही टाइम प्रिंट कर दिया। तो अब क्या है, तो रोल नंबर 1 हो गया 101, इसका नेम क्या है, तो अमित है, एज है 21, और फी कितना है, टोटल फी इसका हो गया 2500, जिसमें से उनने पे कर दिया है 1500 एंड 1100 उसका बकाया रह गया, यानी कि 1000 उसका पेंडिंग है। तो कुछ इस तरह से हमने दोनों डिक्शनरी को, दोनों डेटाबेस को एक साथ मर्ज करके हमने आउटपुट करा दिया। तो यहाँ पे आपको अपडेट समझ में आया होगा, और अपडेट का ये फीचर है डिक्शनरी का कि रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि अभी रिपीट हुआ था, तो रिपीट होने के पीछे कारण क्या था, तो स्पेलिंग वेरी कर रहा था, और ये पाइथन का ये नेचर है कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो अलग ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपडेट को भी समझ लिया, और अपडेट करके ये कुछ रिटर्न नहीं करता। जो हमारा फर्स्ट वाला डिक्शनरी है, जो भी यहाँ पे जिस डिक्शनरी के मदद से हम कॉल कर रहे हैं अपडेट फंक्शन को, तो वो उसी को अपडेट कर देगा, ठीक है। यानी कि जो हम पैरेंथेसिस में जिस डिक्शनरी को पास करेंगे, वो डिक्शनरी का डेटा फर्स्ट वाले जिससे कॉल किया जा रहा है, कॉलर ऑब्जेक्ट, उसमें ये असाइन कर देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका आपको, तो हमने ये चीज़ समझ लिया अपडेट को। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्लियर एंड कॉपी। तो क्लियर और कॉपी को भी हम समझ लेते हैं, इसको भी देखते हैं इसमें क्या है। कुछ नहीं है, बस बेसिक चीज़ें हैं, तो इसको हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा स्टूडेंट है उसको हमें क्लियर करना है, ठीक है। तो क्लियर करने से पहले हम उसको एक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दोनों समझ में आए। तो हम यहाँ पे करते हैं कि जो हमारा न्यू स्टूडेंट, ठीक है, हमने न्यू स्टूडेंट बना लिया। न्यू स्टूडेंट में हमने क्या किया कि इसको कॉपी कर दिया, असाइन, असाइन ऑपरेटर का यूज करेंगे, स्टूडेंट डॉट कॉपी, ठीक है, और इसमें कुछ पास नहीं करना। तो स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड किसमें चला गया, न्यू स्टूडेंट के अंदर। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट बना हुआ है, स्टूडेंट डॉट क्लियर, ठीक है, क्लियर ही है, एक बार देख लेते हैं, हाँ क्लियर ही है, क्लियर हमने कर लिया। तो स्टूडेंट को हमने क्लियर कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, इसको समझना है। तो एक बार हम पहले इसको रन कराते हैं, फिर इसको हम डायग्रामेटिकली समझाएंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इसको हम समझते हैं, और यहाँ तो हमने उसको प्रिंट ही नहीं कराया, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट हम पहले तो न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाए, फिर यहाँ पे प्रिंट हो हमारा जो पुराना वाला स्टूडेंट है वो, ठीक है। दोनों हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, STUDENT, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको रन करा कर देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पे रन हो चुका है, और रन होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, समझिए इसको, कि जो हमारा यहाँ तक तो हमारा ऑलरेडी समझा हुआ था, जो कि एक एक करके दिखा रहा था, और यहाँ पे पेंडिंग भी हमारा वही है फर्स्ट वाला, जो कि हमने यहाँ पे समझ चुका था। अब क्या है कि नेक्स्ट जो है हमारा न्यू स्टूडेंट, ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंट हुआ, और न्यू स्टूडेंट में क्या हुआ, तो जो अपडेट होने के बाद का रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आप देखेंगे कि जो कि हमने लास्ट में प्रिंट कराया था स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है, स्टूडेंट यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, इसका जो कर्ली ब्रेसेस है वो ब्लैंक है, यानी कि उसकी सारे डेटा क्लियर हो चुकी है। अब हम इसको एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। तो डायग्राम में क्या था कि जो हमारा कोड पे चलते हैं और कोड पे हम डायग्राम को समझते हैं, वहाँ पे समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो कोड है यहाँ पे, जैसे ही ये कोड चलेगा तो क्या होगा, जो कि हमारा पहले से क्या है, तो एक स्टूडेंट नाम का बना हुआ है, एक मेमोरी ब्लॉक बना हुआ है जिसमें स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट है, ठीक है, जैसे कि रोल नंबर, नेम, एज, बाकी उसका फी का स्ट्रक्चर जितने भी है वो सभी कुछ इसमें स्टोर है। जैसे ही कॉपी वाला लाइन चलेगा तो क्या होगा कि एक और न्यू मेमोरी ब्लॉक तैयार होगा, जो कि इसी का कॉपी होगा, सेम टू सेम होगा, और इसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ होगा, तो न्यू स्टूडेंट जो भी हमने आप बनाओगे उस हिसाब से यहाँ पे बनेगा। तो हमने न्यू स्टूडेंट बनाया है, तो वहाँ पे न्यू स्टूडेंट का एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा और उसकी सारे रिकॉर्ड इसमें कॉपी हो चुकी है चुकी, तो ये अब यहाँ पे इसका एड्रेस को होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ, और जैसे ही चला ये लाइन, स्टूडेंट को क्लियर कर दो, तो स्टूडेंट के जितने भी रिकॉर्ड थे वहाँ पे ये सभी रिकॉर्ड एम्प्टी हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। अब इसमें कोई और नया अपडेट करके, नया ऐड करके आप इसमें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें और भी रिकॉर्ड इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा, न्यू कॉपी क्लियर डिलीट करना सब कुछ। तो यहाँ पे हमने डिक्शनरी के सारे मेथड को समझ लिया, सभी जितने भी इम्पोर्टेंट थे उनको हमने कैसे अपडेट करना है, कैसे एक्सेस करना है, उन सभी को हमने यहाँ पे समझ लिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिक्शनरी डेटा टाइप को समझा और इसके स्ट्रक्चर को समझा, कैसे इसको हम एक्सेस करते हैं, कैसे हम इसमें डेटा असाइन करते हैं, सब कुछ समझा, और इसके प्रीडिफाइंड मेथड को भी समझा, जो कि कुछ इस तरीके से थे, कीज, वैल्यू, आइटम, अपडेट, क्लियर, कॉपी। तो हमने इसमें 6 मेथड को हमने समझा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप बेशक दे सकते हैं, हम उस पर गौर करेंगे, आगे से हम वो चीज़ इम्प्रूव करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी ओ लेवल एग्ज़ाम क्लियर कर सके और लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।